पीएम मोदी ने नाराज बंसीलाल समर्थकों को रिझाया, बोले मुझे बहुत प्यार करते थे, रात 1 बजे तक बात होती थी। कांग्रेस ने पोती की टिकट काटी। हमने चौधरी बंसीलाल जी के साथ मिलकर सरकार चलाई, वे हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध थे। चौधरी बंसीलाल से मेरी बहुत निकटता थी, उनके पास अनुभव की इतनी बातें हुआ करती थी कि हम रात में 1-1 बजे तक बातें किया करते थे। जब भी बातों में स्वामी दयानंद जी का नाम आता था तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि चौधरी बंसीलाल जी की आत्मा से आंसू न टपके हों। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रैली के दौरान कही। पीएम मोदी ने अपने संबोधन से पूरे अहिरवाल बेल्ट ही नहीं बल्कि जाट बाहुल्य भिवानी जिले को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के जरिए साधने की कोशिश की। बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी 2009 में इस सीट से सांसद रह चुकी हैं। हालांकि पिछले 2 चुनाव में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसी के चलते इस बार कांग्रेस ने श्रुति का टिकट काट कर रावदान सिंह को उम्मीदवार बनाया। श्रुति चौधरी की माँ किरण चौधरी इसी लोकसभा सीट के तोशाम हल्के से कांग्रेस विधायक हैं। प्रधानमंत्री ने करीब 50 मिनट के अपने संबोधन में हर वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर पहली बार सीधे मुकाबले में फंसे चौधरी धर्मवीर सिंह को जिताने के लिए उन्होंने इस इलाके के कदावर नेता चौधरी बंसीलाल से अपनी दोस्ती का जिक्र कर उनके समर्थकों को भी पाले में लाने की कोशिश की है। मोदी द्वारा चौधरी बंसीलाल के साथ खुद की निकटता और उनकी प्रशंसा करने के पीछे चुनाव में उनके समर्थकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश ही समझा जा रहा है, जिससे किरण की बेटी श्रुति का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों को साधा जा सके। किरण बोली, मेरी व श्रुति चौधरी की बार बार बेइज्जती हो रही। 3 दिन पहले किरण चौधरी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हमारे फोन नहीं उठा रहे, ना ही हमें पार्टी के कार्यक्रमों की कोई सूचना दी जा रही, जनता सब देख रही है, इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, हमारी राजनीति खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किरण चौधरी ने कहा कि वे सिरसा सीट पर गईं, वहां कुमारी सैलजा को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, भारी मतों से सैलजा कुमारी जीतेंगी। भिवानी में भी प्रचार किया, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं पार्टी की समर्पित सिपाही हूँ, वर्तमान व 4 बार की विधायक हूँ। रावदान सिंह ने कहा कि दफ्तर खुलवाओ तो मैंने 2 कार्यालय खुलवाए, मीटिंग कराई, समर्थन के लिए अपनी आवाज उठाई, खुलकर बोली। इसके बाद देखा कि मुझे कोई सूचना नहीं दी जा रही है, मैं भिवानी के अंदर हूँ, यह इलाका पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल व सुरेंद्र सिंह का है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।